स्टडी विद आरके जैसा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। हमारे जितने भी गेस्ट ट्रेनर के अधिकारी हैं वो जल्द से जल्द जुड़े चैनल से, जिससे कि मैं आप लोगों को जो आज हम लोग डिटेल में टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक आप लोगों को मैं डिटेल में बता सकूं। तो एक बार आप लोगों का समूह का स्वागत है और मैं देखता हूँ कि अभी तक चैनल में कौन कौन आ चुके हैं। अंशु बनवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत स्टडी विद आरके जैसा चैनल में। इशिका सिन्हा, निशांत सिन्हा, शालिनी कुमारी, प्रशांत वर्मा, रजत कपूर और अंजलि केसरी, ये सभी चैनल पर आ चुके हैं। मनीष ठाकुर भी आ चुके हैं, शुभम राठौर भी आ चुके हैं। तो आज हम लोग डिटेल में जो डिस्कस करेंगे वो टॉपिक आप लोगों को मैं भेज दिया हूँ, वो टॉपिक है भारत का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। क्योंकि पार्ट वन और पार्ट टू ये पहले डिस्कस हो चुका है और वो वीडियोज में पड़े हुए हैं। इसी चैनल में आप लोग जब जाएंगे तो पार्ट वन भारत का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और पार्ट टू, ये दोनों ही आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे पार्ट थर्ड यानी लास्ट पार्ट। एक्चुअली भारत का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन बहुत ही विस्तृत आंदोलन था, जिसमें कि आप लोगों को मैंने 14 टॉपिक्स को डिटेल में लिखवाया था और उस टॉपिक्स के बारे में ही आप लोगों को कुछ टॉपिक्स को डिटेल में मैंने पढ़ाया भी, और फिर उसके बाद जो बाकी बच गया है उसको आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आ जाए। तो एक बार आप लोग जितने भी बच्चे चैनल पर आ चुके हैं, कहीं पर कोई भी दिक्कत हो, किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप इसे पूछ सकते हैं हमसे, जैसे कि मैं आप लोगों की समस्या का समाधान कर सकूं। और सबको वेरी गुड इवनिंग, आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ये ईश्वर से कामना है। और आप लोग इसी प्रकार मन लगाकर रोज पढ़ते रहें, नियमित स्टडी करें, क्योंकि अगर आप स्लो एंड स्टडी मीन्स द रेस, जो कहावत है उसे आपने सुना होगा कि बिल्कुल स्लो लेकिन स्टडी यानी लगातार ही आप रेस को जीत सकते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि एग्जाम नजदीक आएगा तो फिर पढ़ लेंगे तो फिर याद हो जाएगा, उसे कभी याद नहीं होने वाला है। याद तभी होगा जब आप शुरू से पढ़ते जा रहे हैं। इसलिए आपने कछुआ और खरगोश की कहानी तो सुनी ही होगी। खरगोश को घमंड था कि मैं तो एक ही छलांग में पहुंच जाऊंगा जहां पर पहुंचना है, और बेचारा कछुआ चिंतित था कि मैं तो बहुत धीरे धीरे चलता हूँ इसलिए मुझे लगातार चलना पड़ेगा, अंत में जीत कछुए की होती है। तो इसीलिए कच्छप गति जो कहावत बना हुआ है कि कच्छप गति से चलना बहुत जरूरी होता है, लेकिन नियमित रूप से आपको अपनी स्टडी करनी पड़ेगी तभी आप कुछ कर सकते हैं इस लाइफ में। तो बाकी बच्चे और भी जल्दी जुड़े हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को आगे बता सकूं। और इसके पहले कि और भी बाकी बच्चे चैनल पर जुड़ते जाएं, इसके पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग कुछ क्वेश्चन अगर हो उधर से तो पूछ सकते हैं आप, क्योंकि सबसे पहले तो आप लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाता है, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। तो जल्दी आप लोग पूछेंगे, कुछ भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं आप। सबसे पहले आप ये बताएंगे कि आवाज आप लोगों को सही ढंग से सुनाई पड़ रही है, साउंड और पिक्चर ये दोनों सही है, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप लोग उधर से मैसेज हमें कर सकते हैं। जितने भी नए बच्चे चैनल पर आज आए हुए हैं उन सबों को बहुत बहुत स्वागत। आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि जितने भी नए बच्चे चैनल पर आते जाए वे लोग एक व्हाट्सएप नंबर में दे रहा हूं, उस व्हाट्सएप नंबर से आप लोग मैसेज करेंगे अपने नाम के साथ, जिससे कि मैं आपके नाम को गजेटेड ऑफिसर्स मिशन में जोड़ सकूं, और फिर आपको समय समय पर मैं सभी के बारे में जानकारी आप लोग को दे सकूं। तो ये व्हाट्सएप नंबर आप याद रखेंगे, व्हाट्सएप नंबर आप याद रखेंगे 8700924426। इस पर नए बच्चे मैसेज करेंगे नाम के साथ। एक मैं आप लोगों को और सूचना देना चाह रहा हूं कि बिहार दरोगा का एसआई का जो एग्जाम है उसकी तैयारी के लिए हमने डिसाइड किया कि स्पेशल बैच इस टाइम में नहीं बल्कि अलग टाइम में शुरू किया जाएगा, और वो दिन का टाइम होगा। तो जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वे इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करेंगे। डेमो क्लास 26 तारीख को मैंने सोचा है, वो टाइम अभी डिसाइड नहीं हुआ है, दिन के टाइम में ही होगा। हो सकता है कि मॉर्निंग के टाइम में इसे शुरू करूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मॉर्निंग को प्रेफर कर रहे हैं, या फिर दिन में कोई भी टाइम डिसाइड होगा। तो जितने भी बच्चे ग्रुप से जुड़ेंगे उन सभी को मैसेज भेज दिया जाएगा टाइमिंग के बारे में। पहले डिस्कस हम करेंगे कि कौन सा टाइम आप लोगों के लिए सुटेबल होगा, और फिर उसके बाद उसी हिसाब से आप लोगों को बताया जाएगा। आप लोग याद रखेंगे कि
जो बिहार एसआई दरोगा का जो की तैयारी की जाएगी वो उसी को फोकस करके की जाएगी, तो स्पेशल बैच उसके लिए होगा। और डेमो क्लास के बाद फिर आप लोगों का जो भी इंटरेस्टेड होंगे उन लोगों का एडमिशन किया जाएगा, और सिर्फ उसी को लिंक प्रोवाइड किया जाएगा जो बच्चे बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं। और ये जो टाइम आप अभी आप देख रहे हैं 9:30 बजे का टाइम, ये सभी के लिए है, ये ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के लिए है। इसमें हम लोग सभी तरह के क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे, तो दोनों ही फायदा आपको होगा। आप एसआई का भी तैयारी कर पाएंगे उधर स्पेशल बैच में, और फिर इस बैच में भी आप अधिक से अधिक लाभ उठा सकेंगे। तो इसलिए जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो जुड़ेंगे, और इस नंबर पर आपको मैसेज करना है नाम के साथ, जिससे कि मैं आपका नाम ग्रुप में जोड़ सकूं, और फिर एसआई से संबंधित जितने भी इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचा सकूं। बहुत सारे बच्चे मैसेज भी कर चुके हैं पहले से ही, आज लगभग 10-12 बच्चों का मैसेज आ चुका है, और बाकी बच्चे 1-2 दिन के अंदर जितना जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाएंगे। तो फिर इसके बाद आप लोगों का प्रॉपर टाइम, क्योंकि बिहार एसआई का जो सिलेबस है बहुत इजी सिलेबस है, उसमें आप लोगों को जो पढ़ाया जाएगा वो एग्जाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन होंगे, और उतना ही आपको पढ़ना है, बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक मेथड पर अगर आप तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत अधिक पढ़ाई करते हैं, उतनी पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड अगर इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लेते हैं, डिटेल में सारी बातें समझ लेते हैं, तो फिर कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो वो कभी भी गलत नहीं हो पाएगा, तो उसी हिसाब से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो मैं देखता हूं कि और बाकी बच्चे जो चैनल पर आए हुए हैं कुछ क्वेश्चन अगर वो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। हाँ, एक बात मैं और बता दूं कि शुभम प्रशांत के पास भी मेरी बुक पहुंच चुकी है, मेरी बुक भी है, जो काफी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि जो मैंने सिलेबस देखा बिहार एसआई का उसमें टोटल वही सारी बातें हैं जो उसमें दिया गया है। तो नॉलेज मास्टर जनरल स्टडीज ये इंग्लिश मीडियम में है, और नॉलेज मास्टर सामान्य ज्ञान ये हिंदी मीडियम है। तो जो बच्चे और भी बुक लेने के इच्छुक हैं वो मुझे इसी नंबर पर मैसेज करेंगे, तो फिर मैं उसे प्रोसेस बता दूंगा कि कैसे आप तक बुक पहुंच सकती है। क्योंकि जितने भी बच्चों ने बुक ली है सबने बड़ाई की है, सबने अच्छा कहा है, जैसे शुभम ने भी आज ये लिख करके भेजा है कि बुक आपका बहुत अच्छा लगा सर, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी, और आप इसे ध्यान से पढ़ते रहेंगे, और उसमें डिटेल में सारी बातें दी गई है, ऑब्जेक्टिव तो खुद ही बन जाएगा, जब आप डिटेल में सारी बातें पढ़ लेंगे तो फिर ऑब्जेक्टिव तो बहुत आसान हो जाता है। और अगर ऑब्जेक्टिव ही सिर्फ पढ़ेंगे आप तो फिर कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं हो पाता है, तो इसलिए कंसेप्ट भी क्लियर हो और फैक्ट्स भी आपके पास जाए, इस दोनों को ध्यान रख करके बुक को डिटेल में लिखा गया है टॉपिक वाइज सभी के बारे में। और जितने भी और बच्चे चैनल पर आए हुए हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत, और मैं देख रहा हूँ कि सारे बच्चे हमारे पहले से ही प्रेजेंट थे। एक अंशु परनवाल लग रहा है कि आज पहली बार उन्होंने ज्वाइन किया है, और बाकी बच्चे हमारे सारे पुराने बच्चे हैं। तो अभी कोई क्वेश्चन अगर आपके पास है तो आप लोग बिल्कुल डिटेल में हमसे पूछ सकते हैं, इसलिए आज मैं बोर्ड पर भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन तो चल ही रहा था, प्रैक्टिस सेशन भी चलेगा, इस जो अभी क्वेश्चन हम लोग पहले भी जो डिस्कस हुआ था उसके बारे में भी, और अभी जो पढ़ेंगे उसको भी सेट किया जाएगा। तो इसीलिए वीडियोस को आप लोग देखते रहेंगे आप जितना ज्यादा हो सकता है, क्योंकि उसी से क्वेश्चंस को सेट किया जाता है, और अगर आप वीडियोस देख लेते हैं तो फिर क्वेश्चन का आंसर करना बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, इकोनॉमी के बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी, लेकिन पहला मेरा टारगेट यह है कि हिस्ट्री पॉलिटी और करंट अफेयर्स आप लोगों का जो है पहले कवर हो जाए कुछ हद तक, फिर मैं ज्योग्राफी शुरू करूंगा, और फिर इसके बाद आपको इकोनॉमिक्स के बारे में भी बताया जाएगा। और इसके बाद अभी तक किसी का कोई और क्वेश्चन हमारे पास नहीं आया है, तो इसलिए हम लोग अब शुरू कर देते हैं जो आप लोगों को आज डिस्कस कराना है। हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है भारत का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, भारत का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इस संदर्भ में मैं आप लोगों को इसकी इंग्लिश क्या होती है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट ऑफ इंडिया। हम लोग इस टॉपिक में
डिस्कस कर चुके हैं वो टॉपिक पहले मैं आप लोगों को नोट करवा देता हूं, फिर उसको आप वीडियोस में देख लेंगे जो बच्चे उस दिन प्रेजेंट नहीं थे। इसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सबसे पहले तो ब्रह्म समाज के बारे में आप लोगों को मैं बता चुका हूं। ब्रह्म समाज जिसमें कि हम लोग राजा राम मोहन राय के बारे में डिस्कस किए थे, तो ब्रह्म समाज इस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया आर्य समाज, आर्य समाज के बारे में भी डिस्कस हो चुका है। ये सब आपको इसी स्टडी विथ आर के जासर चैनल में मिल जाएगा, आप जब पीछे वाले वीडियोस के रिकॉर्डिंग को देखेंगे। इसके बाद हम लोग थर्ड में राम कृष्ण मिशन, राम कृष्ण मिशन इसको भी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। तो इस प्रकार आप लोगों का तीन टॉपिक अभी तक हो चुका है, जो डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया गया है उसे आप वीडियोस में देख लेंगे। अब जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है थियोसॉफिकल सोसाइटी, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, यंग बंगाल मूवमेंट, फिर इसके बाद पारसियों का जो मूवमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे, मुसलमानों के जो आंदोलन हुए थे उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो ये तीन टॉपिक डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसको कि जो बच्चे अभी तक नहीं देख पाए हैं वो वीडियोस में देख लेंगे आप। तो अब इसके बाद हम लोग टॉपिक लिखते हैं जिस पर कि हम लोग अब आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोग याद रखेंगे कि अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित काफी बार हर तरह के एग्जाम में, दिल्ली पुलिस में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बीबीएससी में और आईएएस में तो ये क्वेश्चन इस तरह के आते ही आते हैं। इसके साथ साथ मैंने एसएससी में भी कई बार देखा है कि इससे क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए बिहार एसआई में भी क्वेश्चन इससे कई बार पूछा गया है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे और वो टॉपिक का नाम है थियो, THEO सॉफिकल, थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसको हिंदी में भी इसी नाम से जाना जाता है, थियोसॉफिकल, थियोसॉफिकल सोसाइटी। अगर इसकी हिंदी बनाई जाए तो इसकी हिंदी होगी ब्रह्म विद्या समाज। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में ब्रह्म विद्या समाज नहीं लिखा रहता, लिखा रहता है थियोसॉफिकल सोसाइटी ही हिंदी में भी, इसीलिए आप लोग हिंदी में भी यही याद रखेंगे। इसमें हम लोग याद रखेंगे कि इसमें सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आता है कि इसका फाउंडर कौन था, इसके संस्थापक कौन थे। तो आप लोग याद रखेंगे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय ए रशियन लेडी, रशियन लेडी मैडम ब्लावत्स्की, मैडम ब्लावत्स्की। एक रूस की या रूस की एक महिला, रूस की एक महिला मैडम ब्लावत्स्की, रूस की एक महिला मैडम ब्लावत्स्की मैडम ब्लावत्स्की एंड एन अमेरिकन कर्नल ऑलकॉट, एक अमेरिकी, एक अमेरिकी कर्नल ऑलकॉट, ऑलकॉट के द्वारा 1875 में
न्यूयॉर्क में की गई थी, 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी। तो आप लोग इसमें याद रखेंगे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय रशियन लेडी मैडम ब्लावत्स्की एंड एन अमेरिकन कर्नल ऑलकॉट इन 1875 इन न्यूयॉर्क। हम लोग याद रखेंगे कि जब ये न्यूयॉर्क में बना तो फिर हम इंडिया जैसे क्यों पढ़े। एक्चुअली ये जो बनाया गया था, ये दुनिया में जितने भी धर्म थे जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, उन सभी धर्मों में जो बुराइयां थी, अंधविश्वास थे, उसके खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए बनाया गया था। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव इस सोसाइटी पर हिंदू धर्म का था, क्योंकि हिंदू धर्म उसमें काफी विस्तृत धर्म के रूप में पूरी दुनिया में प्रचलित थी और इसीलिए भारत को उसमें आध्यात्मिक गुरु के रूप में माना जाता था, इंडिया को माना जाता था स्पिरिचुअल गुरु। तो आप याद रखेंगे कि इसका जो मुख्य उद्देश्य यह था कि दुनिया में जितने भी मुख्य मुख्य धर्म हैं, उसमें जो बुराइयां हैं, उसमें जो अंधविश्वास है, उसके खिलाफ लोगों को जागरूक बनाना और लोगों में भाईचारे की भावना बढ़ाना, ब्रदरहुड की भावना बढ़ाना। तो आप इसे नोट करेंगे कि इट्स मेन पर्पस वॉस टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट रिलीजियस इविल्स एंड सुपरस्टिशंस, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट रिलीजियस इविल्स, रिलीजियस इविल्स एंड सुपरस्टिशंस, सुपरस्टिशंस। इसका मुख्य उद्देश्य था कि सभी धार्मिक बुराइयों तथा अंधविश्वासों के खिलाफ लोगों को जागरूक बनाना एंड टू स्ट्रेस ऑन ब्रदरहुड और भाईचारे की भावना लोगों में जगाना। तो भाईचारे की भावना लोगों में बढ़ाने के लिए, प्रेम की भावना बढ़ाने के लिए और लोगों में आपसी जो प्रेम सद्भाव की भावना होती है उसको बढ़ाने के लिए इसे शुरू किया गया। तो चूंकि ये हिंदू धर्म से ज्यादा प्रभावित ये सभ्यता थी, ये सोसाइटी थी, और इसीलिए इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया वो इंडिया में बनाया गया। आप इसे याद रखेंगे, ये बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहां पर बनाया गया था। तो आप याद रखेंगे कि द हेडक्वार्टर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी वॉज फाउंडेड एट अडयार इन चेन्नई इन 1882 बाय मैडम ब्लावत्स्की। हम लोग याद रखेंगे कि मैडम ब्लावत्स्की के द्वारा 1882 में इसका मुख्यालय चेन्नई के अडयार में बनाया गया था 1882 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहां पर था। तो आपको क्या बताना है, चेन्नई के अडयार में, और ये कब बनाया गया, 1882 में। हम लोग इसमें याद रखेंगे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी उस समय और ज्यादा पॉपुलर हुआ जब इसी सोसाइटी में एनी बेसेंट शामिल हो गई। तो एनी बेसेंट के बारे में आप लोग याद रखेंगे, एनी बेसेंट बिकेम द मेंबर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन 1888। एनी बेसेंट 1888 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी। 1888 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी थी। तो एनी बेसेंट के बारे में भी हम लोग काफी जानकारी अभी लेंगे। एनी बेसेंट आप लोग याद रखेंगे,
कि शी ज्वाइंड द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन 1888, एनी रिसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी में 1888 में शामिल हुई। हम लोग याद रखेंगे कि एनी रिसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी में 1907 में प्रेसिडेंट भी बनी थी, तो शी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन 1907 आफ्टर डेथ ऑफ कर्नल ऑलकॉट। तो कर्नल ऑलकॉट की मृत्यु के बाद 1907 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा बनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद एनी बेसेंट के संबंध में आप लोग ये भी याद रखेंगे कि वह 1893 में 1893 में आयरलैंड से भारत आए थे। 1893 में दो प्रमुख घटना घटी है, एक तो स्वामी विवेकानंद ने वर्ल्ड का जो फर्स्ट रिलीजियस पार्लियामेंट हुआ था, प्रथम धार्मिक सम्मेलन जो कहां पर हुआ था, इसके संबंध में आप लोगों को मैं कई बार जानकारी दे चुका हूं। अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहला धार्मिक सम्मेलन कहां पर हुआ था, इन विच प्लेस द फर्स्ट रिलीजियस पार्लियामेंट वॉज हेल्ड, तो ये आंसर मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग भी कई बार इसके बारे में मुझसे सुन चुके हैं और मैं ये आंसर आप लोगों से सुनना चाहता हूं। क्वेश्चन ये है कि इन विच प्लेस द फर्स्ट रिलीजियस पार्लियामेंट वॉज हेल्ड, कौन सी जगह पे प्रथम धर्म सम्मेलन हुआ था। बिल्कुल निशांत जी ने सही आंसर बताया, प्रशांत जी ने भी सही आंसर बताया, शिकागो में। तो शिकागो में एक तो स्वामी विवेकानंद पार्टिसिपेट करने गए इंडिया की ओर से 1893 में, और 1893 में ही एनी बेसेंट भी आयरलैंड से इंडिया आई थी। तो शी केम टू इंडिया इन 1893 फ्रॉम आयरलैंड, एनी बेसेंट 1893 में आयरलैंड से भारत आई थी, और यहां पर आने के बाद उन्होंने थियोसॉफिकल मूवमेंट का नेतृत्व करना शुरू कर दिया। हालांकि एनी बेसेंट तो पहले क्रिश्चियन थी, ईसाई धर्म को मानती थी, यहां पर आई थी वो थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार करने के लिए, लेकिन एनी बेसेंट हिंदू धर्म की परंपराओं से इतनी प्रभावित हुई कि इन्होंने भी हिंदू धर्म को एडॉप्ट कर लिया। तो एनी बेसेंट एडॉप्टेड हिंदू रिलीजन इन इंडिया, भारत में आने के बाद एनी बेसेंट ने हिंदू धर्म को अपना लिया और इसके बाद उन्होंने हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। हम लोग याद रखेंगे कि एनी बेसेंट ने हिंदू धर्म की मान्यताओं को और परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने 1898 में बनारस में एक स्कूल बनाई थी, उसका नाम क्या था, सेंट्रल हिंदू स्कूल। तो सेंट्रल हिंदू स्कूल वॉज फाउंडेड बाय एनी बेसेंट इन 1898 एट बनारस। उन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की थी, हिंदू धर्म की परंपराओं को और मान्यताओं को भारत में प्रचार प्रसार करने के लिए। यही स्कूल बाद में BHU के नाम से 1916 में कन्वर्ट कर दिया गया। तो BHU की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूं। आप लोग बताएंगे उधर से कि हु फाउंडेड BHU, BHU की स्थापना किसने की, जल्दी बताएंगे आप, BHU की स्थापना किसने की। हाँ, BHU की स्थापना आपको बताया गया था, किसने की अभी तक आंसर मेरे पास नहीं आ पाया किसी का। हु फाउंडेड BHU, पंडित मदन मोहन मालवीय, बिल्कुल सबने सही आंसर देना शुरू कर दिया है। सौरभ भारद्वाज ने पंडित मदन मोहन मालवीय, निशांत ने भी मदन मोहन मालवीय का नाम लिखा है, रजत कपूर ने भी, और बाकी सारे बच्चे, चूंकि मैं इसको बता चुका हूँ कई बार, आप लोग को बता चुका हूँ। एक क्वेश्चन जो निशांत ने पूछा था कि एनी बेसेंट डिसाइपल भी थी, नहीं, स्वामी विवेकानंद की डिसाइपल ये नहीं थी। आप लोगों को मैंने बताया था कि स्वामी विवेकानंद की जो शिष्या थी उसका नाम था सिस्टर निवेदिता, मिस मार्गरेट नोबेल, हालांकि वो भी आयरिश ही थी, वो भी आयरलैंड की ही थी, लेकिन उनका नाम था मिस मार्गरेट नोबेल। मिस मार्गरेट नोबेल को ही विवेकानंद ने सिस्टर निवेदिता कहा था, भगनी निवेदिता।
यहां पर एनी बेसेंट की बात हो रही है और एनी बेसेंट विवेकानंद की दिशा पर नहीं थी। इसके बाद हम लोग याद रखेंगे कि जो आप लोगों को मैंने बताया कि सेंट्रल हिंदू स्कूल ही बाद में 1916 में महामना पंडित मदन मोहन मालविया के द्वारा इस विद्यालय को कन्वर्ट कर दिया किसमें, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU। तो BHU पहले कौन से स्कूल के नाम से जाना जाता था, सेंट्रल हिंदू स्कूल, और इसी को विश्वविद्यालय का रूप देने का काम महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1916 में की गई थी। हम लोग याद रखेंगे कि पंडित मदन मोहन मालवीय बहुत ही बड़े विद्वान थे, समाज सेवी थे और समाज सुधारक भी थे। इन्होंने खास करके शिक्षा के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने BHU की स्थापना जो की, इसकी स्थापना इन्होंने, ऐसा नहीं था कि इनके पास बहुत ज्यादा धन था, मैंने बताया था आप लोगों को कि इन्होंने जो BHU की स्थापना की थी वो भीख मांग करके की थी। उस समय के जो जमींदार थे, राजा थे, महाराजा थे, वहां पर रुपये पैसे के रूप में ये भीख मांगते थे और उसी से जो पैसे रुपये पैसे जमा होते थे उसको धीरे धीरे इन्होंने BHU की बिल्डिंगें बनवाई। आपने BHU को देखा होगा कि विशाल आलिशान बिल्डिंग है, एक बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। तो इन्होंने जो BHU का निर्माण करवाया वो भीख मांग करके करवाया। और एक बहुत ही दिलचस्प कहानी इस BHU के बारे में कहा जाता है, जो मैं आप लोगों को शायद सुनाया भी था कई बार, एक बार मैं फिर से बता दूं कि पंडित मदन मोहन मालवीय BHU को कंप्लीट करना चाहते थे, फिनिश करना चाहते थे, लेकिन अभी भी BHU को बनाने में 2 लाख रुपए की आवश्यकता थी, 2 लाख। आप सोच सकते हैं 1916 की बात है और 2 लाख उसमें काफी काफी बड़ी अमाउंट कही जा सकती है, छोटी अमाउंट नहीं थी, 1 रुपया भी उसमें काफी ज्यादा महत्व रखता था और 2 लाख की आवश्यकता थी। और पंडित जी चाहते थे कि ये 2 लाख कोई एक ही शासक या जमींदार जो भी हो दान देने वाला, वो एक ही व्यक्ति दे दे जिससे कि एक ही साथ इसका फिनिशिंग का काम शुरू कर दे और फिर इसके बाद फिनिश करने के बाद यहां पर टीचिंग करना भी शुरू कर दे। तो इन्होंने बहुत दिमाग चलाया, बहुत लगाया दिमाग, और तब इन्हें पता चला कि सबसे जो रईस रियासत है इंडिया में वो है हैदराबाद, और हैदराबाद के निजाम बहुत ही धनी था, उसके पास सोर्स ऑफ इनकम बहुत अधिक थे। उसमें जैसे कि आज आप देखते हैं कि फोर्ब्स इंडिया मैगजीन में अमीर लोगों की सूची तैयार की जाती है, तो उसमें कोई फोर्ब्स मैगजीन तो नहीं थे, लेकिन ये पता था कि इंडिया में जो सबसे अमीर शासक है वो है हैदराबाद का निजाम, और अगर निजाम चाहे तो 2 लाख क्या उससे भी ज्यादा अमाउंट दे सकता है। तो यही सोचकर पंडित जी हैदराबाद चले गए। हैदराबाद में जाकर सबसे पहले इन्होंने एक कमरा बुक किया और वहां पर अपना सारा सामान रख दिया। उसके बाद दूसरे दिन निजाम साहब के दरबार में पहुंचे। ये निजाम साहब के दरबार में पहुंचकर इन्होंने कहा कि जहां अपना की जय हो, मैं मदन मोहन मालवीय बड़ी आशा लगाकर जहांपना के दरबार में आया हूं, मैं BHU का निर्माण कर रहा हूं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, और उसमें अब पूरा होने में मात्र 2 लाख रुपए की आवश्यकता है, 2 लाख ओनली। तो अगर जहांपना चाहे तो 2 लाख एक साथ डोनेशन ग्रुप में हमें दे सकते हैं, क्योंकि आपके लिए 2 लाख बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। तो निजाम साहब अपनी बड़ाई सुनकर बड़ा खुश हो गया, उसे लगा कि चलो दुनिया वाले मुझे अमीर लोग मानते हैं, लेकिन बड़ा घमंडी था और धर्म असहिष्णु भी था हैदराबाद का निजाम। उसने जैसे सुना कि पंडित जी यहां पर जो आया है वो BHU को बनाने के लिए पैसा मांगने के लिए डोनेशन के रूप में, तो निजाम को बड़ा गुस्सा आया। निजाम ने अपना जूता खोला और जूता फेंककर उठाकर मारा कि लो 2 लाख। पंडित जी को गुस्सा नहीं आया, पंडित जी ने बड़े आराम से अपने लेफ्ट हैंड से रुमाल निकाला, उसको झाड़ करके उनके जूते को बांध लिया और जूते उठाकर चल पड़ा। अब जूते को ले जाते हुए देखकर निजाम को बड़ी चिंता हो गई, उसे चिंता हो गई कि ये एक जूता लेकर कहां जा रहा है, क्या करने जा रहा है। पंडित जी अपने कमरे में पहुंचे, उन्होंने टेबल पर जूता रखा और उस समय के जो कुछ मीडिया वाले थे, न्यूज पेपर वाले, उसको बुलवाया और कहा कि ये जो जूता है निजाम साहब का जूता है,
इसकी नीलामी 4 दिन बाद चार मीनार के मैदान में करेंगे, आप इसका इश्तहार पूरा लगवा दो। तो इस प्रकार ये जानकारी निजाम को भी मिली। अब निजाम के तो पसीने छूट गए, उसे काफी चिंता हो गई, उसे ये चिंता हो गई कि अब दुनिया वाले हमें क्या सोचेंगे कि मैं 2 लाख भी नहीं दे सकता, मैं किस काम का अमीर हूं। उससे भी ज्यादा चिंता उसको ये हो गई कि एक जूता अगर कोई आम इंसान खरीद लिया तो मेरी इज्जत तो मिट्टी पलीत हो जाएगी, इसलिए हमें किसी भी हालत में वो जूता वापस लेना है। तो जिस दिन नीलामी होनी थी उस दिन सबसे पहले उस मैदान में लाल लश्कर के साथ निजाम भी पहुंचा। अब पंडित जी उस जूते की बोली लगाने वाले थे, तब तक निजाम ने आगे बढ़कर कहा 5 लाख। आप सोच सकते हैं कि पंडित जी को मात्र 2 लाख की आवश्यकता थी और कितना मिल रहा था, 5 लाख। तो पंडित जी मुस्कुरा पड़े, उन्होंने एक हाथ से जूता निजाम को पकड़ाया और दूसरे हाथ से 5 लाख रुपए लिए। तो 2 लाख के जगह पर इन्हें 5 लाख डोनेशन भी मिला और BHU की बिल्डिंग जो 2 लाख में बनने वाली थी उसमें इन्होंने और 5 लाख लगा दिया और इस प्रकार एक आलीशान बिल्डिंग बन गई। तो ऐसे थे पंडित मदन मोहन मालवी, जो कि प्रेजेंट ऑफ माइंड के बड़ी धनी थे। इन्हें यह पता होता था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे कि पंडित मदन मोहन मालवी ने BHU की स्थापना की और उन्हें महामना की जो उपाधि मिली, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछ दिया जाता है। जब 1916 में BHU का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पर गांधी जी को भी बुलाया गया था। महात्मा गांधी अभी भी 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस आए थे और एक युवा नेता के रूप में उनकी पहचान थी, एक जुझारू नेता के रूप में उनकी पहचान थी। तो मदन मोहन मालवीय ने गांधी जी को भी उस उद्घाटन समारोह में बुलाया था। तो गांधी जी जब भाषण देने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने भाषण की शुरुआत में ही पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना कहकर संबोधित किया था। तो पहली बार महामना की उपाधि मदन मोहन मालवीय को देने का काम महात्मा गांधी के द्वारा की गई है, इसे हम लोग याद रखेंगे। आप लोग याद रखेंगे कि गांधी जी ने उसी सभा में जमींदारों और राजाओं की भी काफी आलोचना की, क्योंकि गांधी जी उसमें युवा नेता थे और बहुत सारे राजा और जमींदार लोग जो थे वो पंडित जी को सपोर्ट नहीं किया था और गरीबों के कल्याण के लिए वो काम नहीं कर रहे थे। तो गांधी जी ने उन राजाओं और जमींदारों को ललकारा भी था कि तुम्हारे पैसे किस काम के जब तुम जनकल्याण के लिए काम नहीं कर सकते। तो इस प्रकार आप लोग याद रखेंगे कि ये BHU जो आज आप देख रहे हैं इसको पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनाया, लेकिन इस BHU की नींव डालने का काम किसने किया, एनी बेसेंट, इसे आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग याद रखेंगे एनी बेसेंट के बारे में और भी बहुत सारी बातें। हम लोग याद रखेंगे कि एनी बेसेंट ने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी है जो कि आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आप याद रखेंगे कि एनी बेसेंट रोट द बुक, एनी बेसेंट रोट द बुक वेकअप इंडिया। एनी बेसेंट ने वेकअप इंडिया पुस्तक लिखी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग याद रखेंगे कि एनी बेसेंट ने 1914 में इन्होंने 2 मैगजीन को शुरू किया था न्यूज़पेपर के रूप में, वीकली मैगजीन। और ये 2 मैगजीन का नाम भी आप लोगों को याद रखना है, एक तो कॉमन व्हील, व्हील का स्पेलिंग आपको यही लिखना है WEAL व्हील, और दूसरा न्यू इंडिया। कॉमन व्हील और न्यू इंडिया ये 2 मैगजीन न्यूज़पेपर के रूप में एनी बेसेंट के द्वारा 1914 में शुरू किया गया था इंग्लिश लैंग्वेज। हम लोग ये भी याद रखेंगे कि एनी बेसेंट ने इंडिया में पॉलिटिक्स में भी भाग लेना शुरू कर दिया और इन्होंने 1916 में होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। ये बहुत बार आपके एग्जाम में आता रहता है कि होम रूल आंदोलन की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई थी, तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा, एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट स्टार्टेड होम रूल मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट इन 1916 इन इंडिया।
भारत में 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अब हम लोग यहां पर याद रखेंगे कि होम रूल इसका नाम क्यों पड़ा। एक्चुअली आप जो नाम देख रहे हैं कि होम रूल का मतलब सेल्फ गवर्नमेंट, स्वशासन। आप लोग याद रखेंगे कि द पर्पस ऑफ दिस मूवमेंट वॉज टू गेट ऑल पॉलिटिकल राइट्स इन इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल। आप लोग याद रखेंगे कि होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यह था कि भारत में अंग्रेजी शासन के अधीन रहकर जितने भी प्रकार के राजनीतिक अधिकार हैं उसे प्राप्त करना, पर अंग्रेजों को भगा कर नहीं, अंग्रेजों के अंडर नहीं रहकर जितने भी पॉलिटिकल राइट्स हैं उसे इंडियन को प्राप्त हो जाना। और ये कंसेप्ट जो एनी बेसेंट ने लाई थी ये आयरलैंड से लाई थी, क्योंकि आयरिश वोमेन थी और आयरलैंड में इंग्लैंड के खिलाफ वहां पर ये आंदोलन चल रहा था। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन की अवधारणा कहां से लाई, तो यहां पर आपका क्या आंसर हो जाएगा, आयरलैंड से। और होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो भारत में अंग्रेजी शासन के अधीन रहकर सभी प्रकार के राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करना। आप लोग ये भी याद रखेंगे कि एनी बेसेंट के जो होम रूल आंदोलन थे इसी का समर्थन बाल गंगाधर तिलक ने भी किया, और तिलक ने भी कदम से कदम मिलाकर एनी बेसेंट की विचारधारा को उन्होंने महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र में फैलाया। इसलिए होम रूल आंदोलन से बाल गंगाधर तिलक का भी नाम जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि तिलक के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कि आपको बताया जाएगा। अभी हम लोग कुछ जानकारी एनी बेसेंट के बारे में और ले लेते हैं। एनी बेसेंट के संबंध में आप लोग याद रखेंगे कि एनी बेसेंट वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1917 एट कलकत्ता सेशन। एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो आईएमसी की बनी वो थी एनी बेसेंट। आप इसे याद रखेंगे, कब बनी तो 1917 में, और कहां पर ये सेशन हुआ था तो आपका आंसर क्या होगा, कलकत्ता। आप लोग ये भी याद रखेंगे कि एनी बेसेंट भी जो 1931 में लंदन में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तो वहां पर भारतीय महिला प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए लंदन गई थी। तो आप इसे भी नोट कर लेंगे कि एनी बेसेंट पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन 1931 इन लंदन एज एन इंडियन वुमेन लीडर एनी बेसेंट 1931 में लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिला नेता के रूप में भाग लिया था। इसे आप लोग याद रखेंगे। आप लोग जैसे पहले भी पढ़ चुके हैं,
कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी भी सरोजिनी नायडू के साथ पार्टिसिपेट करने गए थे, एनी बेसेंट भी भारतीय महिला नेता के रूप में अपने खर्च पर वहां पर भाग लेने गई थी, और मदन मोहन मालवीय भी वहां पर हिंदू महासभा नेता के रूप में वहां पर भाग लेने गए थे, और मोहम्मद इकबाल भी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक उर्दू शायर मोहम्मद इकबाल भी भाग लेने वहां पर गए थे, और डॉक्टर अम्बेडकर तो तीनों में भाग लेने गए था, तीनों में ही 1930 में भी, 31 में भी और 32 में भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे आप लोग याद रखेंगे। एनी बेसेंट के बारे में और भी आप याद रखेंगे कि एनी बेसेंट फाउंडेड द होम रूल लीग, एनी बेसेंट फाउंडेड द होम रूल लीग इन सितंबर 1916 एट अडयार। एनी बेसेंट फाउंडेड द होम रूल लीग, होम रूल लीग इन सितंबर 1916 एट अडयार, और अडयार कहां पर है ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में अडयार में होम रूल लीग की स्थापना की, होम रूल लीग की स्थापना की, इसे आप लोग याद रखेंगे। और होम रूल लीग से मैंने आप लोगों को बताया था कि एक और नेता जुड़े हुए थे, और वो कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। तो यहां पर जब होम रूल लीग की चर्चा हो रही है तो आप लोगों को मैं थोड़ी सी जानकारी बाल गंगाधर तिलक के बारे में भी दूंगा, क्योंकि उससे भी काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे और पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक के बारे में। बी जी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। सबसे पहले तो तिलक के बारे में आप लोगों को यह याद रखना है कि तिलक को एक अंग्रेज लेखक जिसका नाम था वैलेंटाइन शिरोड, उसने क्या कहा था, इसके बारे में कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप याद रखेंगे कि तिलक वॉस कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाय एन ऑथर वैलेंटाइन शिरोल, बाय एन ऑथर वैलेंटाइन शिरोल। बाल गंगाधर तिलक को एक लेखक वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा भारतीय अशांति, भारतीय अशांति का जनक कहा गया था। आप लोग याद रखेंगे कि भारतीय अशांति का जनक जो उन्हें कहा, यह कोई उनकी प्रशंसा नहीं की गई, ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि तिलक के खिलाफ यह सेंटेंस लिखा गया, क्योंकि उसमें अंग्रेजों के खिलाफ जितने भी आंदोलन होते थे वो सब के सब के लीडर तिलक होते थे, और तिलक ही लोगों को एक तरह से अंग्रेजों के खिलाफ जगाने का काम उन्होंने किया। और ये क्वेश्चन ही आपने देखा कि बीईओ में पूछा गया था, यूपीपीसीएस में पूछा गया था। तो इस प्रकार भारतीय शांति का जनक इन्हें कहा गया वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा। आप लोग ये भी याद रखेंगे कि तिलक को जो उपाधि दी गई थी वो उपाधि कौन सी थी, लोकमान्य। तो तिलक को लोकमान्य की उपाधि, लोकमान्य की उपाधि होम रूल आंदोलन के दौरान ही दी गई। तो तिलक वॉज रिगार्डेड एज लोकमान्य ड्यूरिंग द मूवमेंट होम रूल। तो होम रूल आंदोलन जो 1916 में हुआ था उसी आंदोलन के दौरान तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। इनके नाम के आगे लोकमान्य लगता है, और लोकमान्य का मतलब क्या होता है, लोकमान्य माने रिस्पेक्टेड, यानी रिस्पेक्टेड अमंग द पीपल, जो लोगों के बीच रिस्पेक्टेड हो उसे लोकमान्य कहा जाता है। तो इनके नाम के आगे लोकमान्य लगता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इन्हें लोकमान्य की उपाधि कौन से आंदोलन के दौरान दी गई, तो आपका क्या आंसर होगा, होम रूल मूवमेंट आंदोलन के दौरान। हम लोग ये भी याद रखेंगे कि तिलक ने होम रूल आंदोलन का प्रचार प्रसार करने के लिए पुणे में एनी बेसेंट की तरह ही
एनी बेसेंट ने तो बाद में होम रूल लीग बनाई, तिलक ने पहले ही बना दिया था। तो आप इसे नोट करेंगे कि तिलक फाउंडेड होम रूल लीग, होम रूल लीग इन अप्रैल 1916 एट पुणे। तिलक ने अप्रैल 1916 में पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की, पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहां पर ये ध्यान देने लायक बात है कि होम रूल से संबंधित तीन क्वेश्चन आपका बन रहा है। पहला क्वेश्चन तो ये पूछ सकता है कि भारत में होम रूल आंदोलन शुरू किसने किया, तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा, एनी बेसेंट। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि होम रूल लीग की स्थापना पहले किसने की, तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि तिलक ने अप्रैल 1916 में और एनी बेसेंट ने भी होम रूल लीग बनाई, उन्होंने बनाई सितंबर 1916 में अडयार। तो इस प्रकार मूवमेंट और लीग में फर्क है। मूवमेंट का मतलब विचारधारा लाने का काम एनी बेसेंट ने की, और लीग का मतलब संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन जो विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए एक संगठन बनाया जाता है, उसको लीग कहा जाता है। तो इस प्रकार आप लोगों को तिलक के बारे में और भी थोड़ी जानकारी याद रखनी है कि तिलक ने होम रूल आंदोलन के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया था कि 1916 में जब लखनऊ का सेशन हुआ कांग्रेस का, तो लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में तिलक ने भाग लिया था और वहीं पर उन्होंने एक बहुत ही यूनिवर्सल स्लोगन दिया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण नारा दिया, और वो नारा था स्वराज इज माय बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट। तो 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तो ये भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसके द्वारा दिया गया, तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा, बाल गंगाधर तिलक। ये नारा उन्होंने कहां पर दिया, तो लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में 1916 में। हम लोग ये भी याद रखेंगे कि तिलक ने अपने विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए 1881 में दो न्यूज़पेपर को शुरू किया, साप्ताहिक और फोर्टनाइटली मैगजीन। उसमें से याद रखेंगे आप कि 1881 में दो न्यूज़पेपर जो उन्होंने शुरू किया, मैगजीन की शुरुआत की, वो था केसरी, केसरी केसरी मैगजीन इन मराठी लैंग्वेज, मराठी भाषा, केसरी को उन्होंने मराठी भाषा में शुरू किया, एंड मराठा, मराठा मराठा मैगजीन उन्होंने शुरू किया इंग्लिश में। ये ध्यान रखेंगे आप, कई बार एग्जाम में आपके क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, खास करके मराठा के बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि तिलक ने मराठा समाचार पत्र का प्रकाशन कौन सी भाषा में किया। स्टूडेंट मराठा क्वेश्चन को देख करके बड़ा खुश हो जाता है और कहता है कितना हल्का क्वेश्चन है, और मराठा देखते हुए मराठी लगा देता है, लेकिन बाद में उसको पछताना पड़ता है कि मराठा मराठी में नहीं बल्कि इंग्लिश में, और मराठी में जो मैगजीन उन्होंने शुरू किया वो था केसरी। आप ये भी याद रखेंगे कि तिलक ने लोगों में जन जागरण फैलाने के लिए उन्होंने दो त्योहारों को भी शुरू किया, दो त्योहार। आजकल जो धूमधाम से महाराष्ट्र में जो त्योहार मनाया जा रहा है, ऑल ओवर इंडिया में जो त्योहार मनाया जा रहा है, खास करके महाराष्ट्र में गणपति उत्सव, इसको शुरू किसने किया, तिलक ने किया था। तो आप इसे नोट कर लेंगे कि तिलक स्टार्टेड टू फेस्टिवल्स इन महाराष्ट्र, तिलक स्टार्टेड टू फेस्टिवल्स इन महाराष्ट्र, गणपति उत्सव इन 1893, गणपति उत्सव इन 1893, और दूसरा याद रखेंगे आप शिवाजी उत्सव इन 1895। ये दोनों त्योहार को शुरू करने का काम तिलक ने किया था, जैसे कि हम लोगों को याद रखना है। ये एग्जाम में कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं।
आप लोग ये भी याद रखेंगे कि तिलक ने ही सबसे पहली बार ये बात कही थी कि भारत में आर्यों का जो आगमन हुआ है वह नॉर्थ पोल के पास जो आर्कटिक क्षेत्र है वहीं से आर्यन यहां पर आए। और इस संदर्भ में उन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी है जो कि काफी बार एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, और उस बुक का नाम है आर्कटिक होम ऑफ वेदास। तो आप लोग याद रखेंगे कि तिलक रोट द बुक, तिलक रोट द बुक आर्कटिक, आर्कटिक होम ऑफ वेदास इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। तिलक ने अंग्रेजी भाषा में आर्कटिक होम ऑफ वेदास पुस्तक लिखी थी। इसी बुक में उन्होंने क्या बताया कि भारत में आर्यों का जो आगमन हुआ है वह आर्कटिक क्षेत्र से हुआ है, और आर्कटिक क्षेत्र को आप लोगों ने ग्लोब में देखा होगा कि यह नॉर्थ पोल के पास है। तो इन्होंने कहा कि आर्कटिक क्षेत्र से ही इंडिया में आर्यों का अराइवल हुआ है, जबकि आप लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि दयानंद सरस्वती ने भी आर्यों के बारे में कहा कि आर्यों का आगमन इंडिया में तिब्बत से हुआ है। लेकिन सबसे मान्य जो स्टेटमेंट माना गया आर्यों के अराइवल के बारे में वो मैक्स मूलर के द्वारा। मैक्स मूलर ने कहा कि इंडिया में आर्यों का आगमन सेंट्रल एशिया से हुआ है, मध्य एशिया से हुआ है, बैक्ट्रिया से हुआ है। उसी को इतिहासकारों ने सही माना। लेकिन आप लोगों को यहां पर तिलक के भी स्टेटमेंट को याद रखनी है। तिलक को जब अंग्रेजों ने बर्मा के मांडले जेल में बंद कर दिया था तो वहां पर उन्होंने एक बहुत ही क्रांतिकारी पुस्तक को हिंदी में अनुवाद किया, और उस पुस्तक का नाम मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूं क्योंकि मैं कई बार आप लोगों को इसके बारे में बता चुका हूं। तो अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि तिलक ने बर्मा के मांडले जेल में कौन सी पुस्तक लिखी, आप लोग उधर से जल्दी हमें जवाब देंगे, जल्दी आप उधर से बताएंगे मुझे। हाँ, गीता रस, बिल्कुल सही, ऋषि तिवारी ने और प्रशांत वर्मा ने, निशांत सिन्हा ने बिल्कुल सही आंसर किया है। गीता रहस्य, गीता रहस्य पुस्तक उन्होंने बर्मा के मांडले जेल में लिखा था, और ये गीता रहस्य का प्रकाशन 1915 में किया गया है, 1915 में किया गया है। गीता रहस्य को उन्होंने हिंदी में लिखा था, गीता का ही उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो गीता रहस्य ये जो पुस्तक तिलक ने लिखी है, इस बुक को उन्होंने कहां पर लिखी, तो ही रोट दिस बुक एट मांडले जेल इन बर्मा, और बर्मा को ही अब कहा जाता है म्यांमार। तो अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा के मांडले जेल में बंद कर दिया था, वहीं पर उन्होंने गीता का हिंदी में अनुवाद किया और उसी बुक का नाम रखा उन्होंने गीता रहस्य। आप लोगों को मैं एक और इंफॉर्मेशन यहीं पर बता देना चाहता हूं कि अगर आपसे ये पूछा जाता है कि गीता का इंग्लिश में ट्रांसलेशन पहली बार किसने किया, ये भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और मुझे लगता है कि आप लोगों को इसके बारे में याद भी होगा, और मैं आप लोगों से ये आंसर सुनना चाहता हूं कि गीता का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन सबसे पहली बार किसने किया, जल्दी बताएंगे उधर से आप। चार्ल्स विल्किंस, बिल्कुल सही, निशांत सिन्हा जी ने बिल्कुल याद रखा है, और मुझे लगता है कि इन्होंने पूरी तरह से जो जो मैं पढ़ा रहा हूं ये पीते जा रहे हैं, और सबको ऐसा करना है, और बाकी सारे बच्चे भी सही सही आंसर देना शुरू कर दिए हैं। प्रशांत वर्मा जी ने भी चार्ल्स विल्किंस बताया है, हम लोग इसे याद रखेंगे कि चार्ल्स विल्किंस ने ही गीता का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया था, तो आप इसे नोट कर लेंगे जो बच्चे उस दिन नहीं आए थे कि चार्ल्स विल्किंस ने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था 1784 में, 1784 में। तो ही ट्रांसलेटेड गीता इनटू इंग्लिश एट फर्स्ट, सबसे पहली बार गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने का काम चार्ल्स विल्किंस ने किया था 1784 में। हम लोग तिलक के बारे में यह भी याद रखेंगे कि तिलक ने होम रूल लीग की जो स्थापना की थी, तो उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना जो की थी उसका उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया था किसी, और उस व्यक्ति का नाम क्या था जिसको उन्होंने प्रेसिडेंट के पद पर नियुक्त किया, तो इसे भी आप लोग शायद याद रखे होंगे, या अगर याद नहीं है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि तिलक अपॉइंटेड जोसेफ बैप्टिस्टा,
तिलक अपॉइंटेड जोसेफ बैप्टिस्टा एज द प्रेसिडेंट ऑफ द लीग। तिलक ने जोसेफ बैप्टिस्टा को होम रूल लीग का अध्यक्ष नियुक्त किया था। ये बहुत बार एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे गए। तिलक ने जोसेफ बैप्टिस्टा को होम रूल लीग का अध्यक्ष नियुक्त किया था। और यही जोसेफ बैप्टिस्टा बाद में जब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में बना था तो वहीं पर इन्हें वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था। मैंने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी जोसेफ बैप्टिस्टा बना 1920 में। इसके पहले तिलक ने इन्हें होम रूल लीग का अध्यक्ष बनाया था। आप लोग ये भी याद रखेंगे कि तिलक कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर चुने नहीं गए। हालांकि ये दो दो बार प्रेसिडेंट के लिए चुनाव इन्होंने लड़ा। एक बार तो इन्होंने 1906 में चुनाव लड़ा था लेकिन उस बार भी नहीं जीत पाए। फिर 1907 में भी जब लड़ा तो उस बार भी नहीं जीत पाए। इसके बाद तिलक कभी कांग्रेस के प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ा ही नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि तिलक कांग्रेस का प्रेसिडेंट कितना बार बना, तो यहां पर आपका आंसर होगा नेवर, कभी नहीं। तिलक की जो डेथ हुई थी वो जब महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को शुरू किया था 1 अगस्त 1920 को अर्ली इन द मॉर्निंग तिलक की डेथ हो गई थी। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन के शुरुआत के सुबह में किस क्रांतिकारी नेता का निधन हो गया था, तो वहां पर आपका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। और यूपीपीसीएस में तो ये भी क्वेश्चन आ गया था कि बाल गंगाधर तिलक के डेड बॉडी को कंधा निम्नलिखित में से किसने दिया। तो ये भी आप याद रखेंगे कि खिलाफत आंदोलन का जो नेता था मोहम्मद अली, तो मोहम्मद अली ने इन्हें कंधा दिया था। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं और आप लोग गलत कर देते हैं और यही सब आपके रिजल्ट को बनाता है। क्योंकि जो नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसे तो सब जवाब दे देता है, लेकिन थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेशन होता है जिस क्वेश्चन में उसको कोई जवाब नहीं दे पाता। जो जवाब देता है उसी का नंबर ठीक मिल पाता है और वही पास कर पाता है, वही टॉप भी कर जाता है। तो इसलिए ये सारी बातें भी आप लोग याद रखेंगे। तो ये सारी जानकारी हम लोग इसमें याद रखेंगे। और अब इसके बाद अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपका सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का अगला टॉपिक। और वो अगला टॉपिक है सत्य शोधक समाज। अब हम लोग नोट करेंगे सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज के संबंध में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इसके बारे में भी आप लोगों को डिटेल में जानकारी रखनी है। हम लोग इसमें याद रखेंगे सत्य शोधक समाज वॉज फाउंडेड बाय ज्योतिबा फूले, इन 1873 एक्ट पुणे। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में पुणे में ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। आप लोग याद रखेंगे कि ज्योतिबा फूले का जो पूरा नाम था, इनका पूरा नाम था ज्योति राव गोविंद राव फूले। तो पूरा नाम था ज्योति राव गोविंद राव फूले। और आप याद रखेंगे कि आधुनिक भारत में दलित वर्ग का प्रथम नेता इन्हें माना जाता है। इन्होंने ही छुआछूत के खिलाफ आवाज पहली बार उठाई और इन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने छुआछूत को समाप्त करवा दिया। तो आप लोग याद रखेंगे कि ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना कर जातिवाद और छुआछूत के खिलाफ लोगों को जगाने का काम किया। इन्होंने बाल विवाह का भी विरोध किया, इन्होंने स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। तो जितने भी अच्छे काम थे इन समाज सुधारकों ने किए थे। हम लोग याद रखेंगे कि ज्योतिबा फूले ने जो उसमें गुलामों की स्थिति थी भारत में, जो दास दासों की जो स्थिति थी, जो दलितों की स्थिति थी, उसको इन्होंने अपनी किताब में लिखा है। और उस किताब का नाम आप लोग याद रखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है,
और कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आप इसे याद रखेंगे कि ज्योतिबा फुले रोट द बुक, ज्योतिबा फुले रोट द बुक गुलामगिरी, गुलामगिरी ज्योतिबा फुले के द्वारा गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी गई, और यह पुस्तक उन्होंने लिखी 1872 में, 1872 में गुलामगिरी। ज्योतिबा फुले ने दीन बंधु सार्वजनिक सभा की भी स्थापना की, दीन बंधु सार्वजनिक सभा। तो आप इसे नोट करेंगे कि ज्योतिबा फुले फाउंडेड दीन बंधु सार्वजनिक सभा, ज्योतिबा फुले फाउंडेड दीन बंधु सार्वजनिक सभा इन 1884। ज्योतिबा फुले ने दीन बंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना, सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 में की। आप लोग याद रखेंगे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इनके ही अधूरे कामों को पूरा करवाने का काम किया, और इसीलिए थोड़ी सी जानकारी हम लोग डॉक्टर अंबेडकर के बारे में भी यहीं पर नोट कर लेते हैं, जैसे कि आपको उनके बारे में भी ठीक तरह से एक बार रिवाइज हो जाए। वैसे मैं आप लोगों को काफी चीजें पहले से ही बता चुका हूँ, वीडियोस बहुत सारे जो पड़े हुए हैं इसी चैनल पर, जो बच्चे नए आए हुए हैं वे देखते रहेंगे, बहुत सारी नॉलेजेज आपकी होगी, और आप जो भी एग्जाम निकालना चाहें, चाहे वो सिविल सर्विस का हो स्टेट या सेंट्रल लेवल पर हो, या फिर SI रैंक का हो, या कॉन्स्टेबल रैंक का हो, या क्लर्क रैंक का हो, कोई भी एग्जाम अगर आप देते हैं, तो जो जो आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट है, और इसी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहां पर हम लोग थोड़ी सी जानकारी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में याद रखेंगे। हम लोग याद रखेंगे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को क्या कहा गया है, इन्हें कहा गया है फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा गया है। क्यों कहा गया भारतीय संविधान का जनक, इसके पीछे कारण क्या था, क्या संविधान उन्होंने खुद सोच करके लिखा है क्या, ऐसी कोई बात नहीं थी। एक्चुअली संविधान लिखने वाली जो कमिटी थी उस कमिटी का नाम था ड्राफ्टिंग कमिटी, प्रारूप समिति, और उसी में से ये चेयरमैन थे। तो जो कि संविधान लिखने वाली कमिटी थी उसके चेयरमैन होने के कारण इन्हें कहा गया भारतीय संविधान का जनक। तो आप इसे नोट कर लेंगे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने वैसे तो बहुत सारी किताबें लिखी हैं, लेकिन इनकी कुछ किताबों का नाम आप लोगों को याद रखनी है, जैसे कि आप याद रखेंगे कि ही रोट द बुक बुद्धा और कार्ल मार्क्स बुद्धा और कार्ल मार्क्स इन 1956। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, इन्होंने बुद्धा या कार्ल मार्क्स नामक पुस्तक 1956 में लिखी थी, जब इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया तभी उन्होंने बुद्ध और कार्ल मार्क्स दोनों का एक तरह से कंपैरिजन किया है, जो काफी महत्वपूर्ण किताब मानी जाती है। बुद्ध के बारे में तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं, और कार्ल मार्क्स के बारे में आप लोग याद रखेंगे कि ही वॉज कॉल्ड फादर ऑफ कम्युनिज्म। कार्ल मार्क्स को कहा गया है साम्यवाद का जनक, फादर ऑफ कम्युनिज्म इन्हें कहा गया है। इन्होंने ही साम्यवादी विचारधारा की शुरुआत की थी। इन्होंने ही कहा था
साम्यवादी विचारधारा क्या होती है, अगर आपसे ये पूछा जाए क्या बताएंगे आप? इन्होंने ही कहा था कि ऐसा समाज हो जिसमें कोई वर्ग ना हो, क्लासलेस सोसाइटी, वर्गविहीन समाज। जैसे समाज में जनरली क्या होता है, गरीब लोग और अमीर लोग होते हैं, जैसे अमेरिका कोई देख लो आप, वहां पर क्या है, इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास और वर्कर्स क्लास, उद्योगपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। तो क्लास अगर सोसाइटी में होती है, वर्ग अगर बना होता है, अमीर और गरीब का अंतर होता है, तो उस समाज में कभी भी शांति नहीं रह सकती। कार्ल मार्क्स ने ही ये बात लोगों को बताई कि हमारा समाज ऐसा हो जिसमें कोई भी वर्ग ना हो। तो वर्गविहीन समाज की कल्पना कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई, और कार्ल मार्क्स ने अपनी विचारधारा को अपनी एक किताब में लिखी थी, और उस किताब का नाम मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग इस संबंध में काफी कुछ पहले से भी जानकारी रखते होंगे। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि कार्ल मार्क्स ने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी, उस बुक का नाम क्या था, क्या बताएंगे आप बताएंगे उसे? कार्ल मार्क्स ने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी है, उस बुक का नाम क्या है, जल्दी बताएंगे आप? दास कैपिटल, ऋषि तिवारी ने बिल्कुल सही आंसर बताया है। तो कार्ल मार्क्स ने बहुत ही फेमस बुक लिखी है, उस बुक का नाम है दास कैपिटल, कैपिटल में के लिखना है, सी नहीं, दास कैपिटल। क्योंकि ये जर्मन लैंग्वेज है, जर्मन लैंग्वेज में कैपिटल में के का ही प्रोनंसिएशन होता है, सी का नहीं होता है। हम लोग जो इंडिया में इंग्लिश पढ़ते हैं, ये यूनाइटेड किंगडम का इंग्लिश है, यूके की इंग्लिश है, और यूके की इंग्लिश सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, सबसे आसान इंग्लिश है अमेरिका की। तो यहां पर जर्मन लैंग्वेज में उन्होंने दास कैपिटल किताब लिखी है, जो बहुत ही फेमस बुक है। तो कार्ल मार्क्स और बुद्ध दोनों का कंपैरिजन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया है 1956 में, और 1956 में बौद्ध धर्म को इन्होंने अपनाया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, और 1956 में इनकी डेथ हो गई। हम लोग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संबंध में यह भी जानकारी रखेंगे कि इन्होंने काफी संगठन भी बनाया। जैसे अगर संगठन की बात कही जाए कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कौन कौन से संगठन की स्थापना की, तो इसमें आप याद रखेंगे कि समाज समता संघ, स्वतंत्र मजदूर दल और अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ, ये तीन संगठन बहुत प्रमुख हैं। वैसे तो काफी हैं, लेकिन ये तीन याद रखेंगे आप कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर फाउंडेड समाज समता संघ, समाज समता संघ, समाज समता संघ, दूसरा याद रखेंगे आप इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, लेबर पार्टी यानी स्वतंत्र मजदूर दल, और एक याद रखेंगे आप ऑल इंडिया डिप्रेस्ड, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी यानी अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ। ये तीन पार्टी इनकी प्रमुख पार्टी थी, जिसको कि आप लोग याद रखेंगे। इसमें से याद रखेंगे कि ये दोनों पार्टी जो बनाई गई थी वो 1936 में, और ये अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ ये 1920 में, 1920 में। आप लोग ये भी याद रखेंगे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे, ये प्रथम कानून मंत्री थे, ही वॉज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, प्रथम कानून मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, ही वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑफिसर नहीं मिनिस्टर। तो प्रथम कानून मंत्री अगर आपसे पूछा जाए भारत के कौन से थे, स्वतंत्र भारत के, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आप लोग इस प्रकार ये सारी बातें याद रखेंगे। ये भी आपको याद रखना है कि कौन से राजनेता ने जीवन के अंतिम समय में बौद्ध धर्म को अपना लिया, तो यहां पर भी आपका आंसर क्या होगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इस प्रकार आप लोग को ये सारी बातें इसमें याद रखनी है, और इसके बाद हम लोग अब डिस्कस करेंगे एक और टॉपिक, और वो टॉपिक है यंग बंगाल मूवमेंट, युवा बंगाल
आंदोलन, यंग बंगाल मूवमेंट, युवा बंगाल आंदोलन, उसके बारे में भी आप लोगों को काफी कुछ जानकारी रखनी है। यंग बंगाल मूवमेंट, युवा बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल मूवमेंट, यंग बंगाल मूवमेंट यानी युवा बंगाल आंदोलन, युवा बंगाल आंदोलन, इसके संबंध में भी हम लोग जानकारी लेंगे। लेकिन इसके पहले हम लोग देखते हैं कि कुछ नए बच्चे भी मैं आज चैनल पर देख रहा हूं, जैसे बिंग बंदा तो पहले भी आए हुए थे, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपने कुछ लेट आज ज्वाइन किया है इसलिए मैं देख नहीं पाया था, और बाकी बच्चे जो हैं वो सब पहले वाले ही हैं जो रेगुलर हो चुके हैं। 15 बच्चे तो बिल्कुल रेगुलर हैं, डेली आते ही आते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि बाकी और बच्चे भी रेगुलर हो जाए, क्योंकि कुछ बच्चे सोचते हैं कि वहाँ कुछ जादू की छड़ी होगी, उसको हिला दिया जाएगा, बस सारे एग्जाम में आ जाएंगे। आप प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, टाइम आप नहीं देंगे समझ में नहीं आएगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि डिटेल में जब समझाया जाता है तो उस क्लास में प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, तभी आप अच्छा कर पाएंगे, नहीं तो सिर्फ पढ़ाई का एक आप जो दिखावा कर रहे हैं इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे और कंटिन्यू पढ़ेंगे। पढ़ाई एक तपस्या होती है, पढ़ाई कोई आराम की चीज नहीं है कि आपको आराम आराम से सब कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल जैसे मैं कंटिन्यू आप लोगों को पसीने से तरबतर होकर भी पढ़ाता रहता हूँ, इसी तरह आप लोगों को भी वहां पर निश्चिंत होकर के जो आपको दुख तकलीफ हो रही है उसको नहीं सोचना है, फोकस करो पढ़ाई पर। जब तक आप फोकस पढ़ाई पर नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आप देखते हैं कि मैं किस प्रकार डेडिकेटेड होकर आप लोगों को पढ़ाता हूं, क्योंकि मेरा पर्पस क्या है कि आप लोगों को जो भी बनना है उससे बनाना। आप जब कुछ कर जाएंगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि मेरी मेहनत आपके पीछे कितनी पड़ी हुई थी। तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे कुछ देर आते हैं, कुछ गायब हो जाते हैं, तो इससे काम नहीं चलने वाला है। सारे बच्चों को एकदम कंटिन्यू रहना पड़ेगा, और अधिक से अधिक संख्या में बच्चे आए जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन हो और आप लोगों को भी पढ़ने में मजा आए। तो जितने भी नए बच्चे हमारे चैनल पर आज पहुंचे हुए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत किया जाता है। और इसके बाद हम लोग अब आगे पढ़ेंगे, इसके बाद यंग बंगाल मूवमेंट के बारे में। यंग बंगाल मूवमेंट के बारे में हम लोग याद रखेंगे कि इट वॉज स्टार्टेड बाय एन एंग्लो इंडियन हेनरी विवियन डेरोजियो, हेनरी विवियन डेरोजियो इन 1826 इन कलकत्ता। तो युवा बंगाल आंदोलन की शुरुआत एक आंग्ल भारतीय हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा 1826 में कलकत्ता में की गई थी। अब यहां पर एक सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगा जिसका जवाब आप लोगों की तरफ से मैसेज के थ्रू आनी चाहिए कि एंग्लो इंडियन का क्या मतलब होता है, व्हाट यू मीन अबाउट एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन क्या है, एक बार उधर से आप जवाब देंगे, व्हाट यू मीन अबाउट एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं, एंग्लो इंडियन किसे कहा जाता है, जल्द से जल्द जवाब देंगे। निशान जी ने हमें तो हेरोडोटस कह दिया, हेरोडोटस तो बहुत महान थे, उन्होंने तो इतिहास की शुरुआत की है, अगर हेरोडोटस आज नहीं होते तो इतिहास की जानकारी भी हमें नहीं हो पाती, और हिस्ट्री को जानना बहुत जरूरी होता है। हिस्ट्री अगर आप नहीं जानते हैं तो आपका प्रेजेंट भी खराब हो जाएगा, क्योंकि जब तक आपको पास्ट की स्टोरी पता नहीं होगा तब तक आप प्रेजेंट में उसका कंपेरिजन करके आप अपने आप को ज्यादा आगे नहीं बढ़ा सकते। आज जो दुनिया आगे बढ़ी है वो हिस्ट्री के कारण ही बढ़ी है। अगर हमें पहले की जानकारी नहीं होती तो आज कोई इन्वेंशन नहीं हो पाता, कोई आविष्कार नहीं हो पाता। आविष्कार विज्ञान भी क्या करता है कि जो पास्ट में घटनाएं हुई हैं उसी का एक्सपेरिमेंट करता है, इन्वेंशन करता है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि एंग्लो इंडियन किसे कहा जाता है, ऋषि तिवारी जी ने आंसर किया है और निशांत ने भी किया है कि इंग्लिश जो इंडिया में आके बस गए, और प्रशांत जी ने कहा माता या पिता कोई ब्रिटिश हो, बिल्कुल सही बताया ना, बिल्कुल सही जानकारी है।
और ऋषु ने भी आंसर दिया है कि मदर इंडिया, फादर यूरोपियन, ऐसा कुछ नहीं, मदर या फादर में से कोई भी है। आप लोग याद रखेंगे कि मदर या फादर में से कोई भी एक इंग्लैंड का अगर है तो ये जो बच्चा इंडिया में बसा हुआ है इसे कहा जाएगा एंग्लो इंडियन। मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल भी दिया था क्लास में जब पढ़ाता था मैं, तो एग्जाम्पल भी दिया था आपको। मैंने आप लोगों को कहा था कि जैसे राहुल गांधी अभी आप देखते हैं कि सोनिया गांधी के पुत्र है और सोनिया गांधी इटली की रहने वाली, तो अगर राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी इटली की ना होकर इंग्लैंड की होती तो राहुल गांधी को कहा जा सकता था एंग्लो इंडियन। लेकिन चूंकि राहुल गांधी की मां इटली की रहने वाली थी तो इसलिए राहुल गांधी को कह सकते हैं इटलो इंडियन। तो एंग्लो इंडियन और इटलो इंडियन आप लोगों को फर्क समझ में आ गया होगा। तो एंग्लो इंडियन को भी इंडिया में रिजर्वेशन मिला है। एंग्लो इंडियन को आपने देखा है कि जो लोकसभा में दो सदस्यों को एंग्लो इंडियन को प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है, जितनी विधानसभाएं हैं स्टेट में वहां पर एक एंग्लो इंडियन को गवर्नर अपॉइंट कर सकता है। तो इस प्रकार ये एंग्लो इंडियन फैमिली से बिलोंग करते थे हेनरी विलियम डरोजियो, और बहुत ही ये डायनेमिक पर्सनालिटी वाले थे। जब ये भाषण देते थे तो लोगों में एक तरह से अंदर से आग निकल पड़ती थी, कहने का मतलब कितना ज्यादा ये उत्साहित कर देते थे बच्चों को कि बच्चे इनके लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाते थे। तो ये आपको याद रखना है कि राजा राम मोहन राय के फॉलोवर थे। अब इसे भी नोट कर लेंगे कि डरोजियो वॉज द फॉलोवर ऑफ राजा राम मोहन राय। डरोजियो राजा राम मोहन राय के अनुयायी थे। और हम लोग याद रखेंगे कि डरोजियो जो थे वे भारत में सबसे प्रथम कम उम्र के प्रोफेसर थे। तो अब इसे भी नोट कर लेंगे कि डरोजियो वॉज ऑल्सो द फर्स्ट यंगेस्ट प्रोफेसर ऑफ इंडिया। डरोजियो भारत में सबसे कम उम्र के प्रोफेसर थे। ही वॉज द फर्स्ट यंगेस्ट प्रोफेसर ऑफ इंडिया, भारत के सबसे कम उम्र के प्रोफेसर, फर्स्ट यंगेस्ट प्रोफेसर, फर्स्ट यंगेस्ट प्रोफेसर इन इंडिया। और आप याद रखेंगे कि डरोजियो जो थे ये मात्र 17 साल में 17 ईयर्स में ही कोलकाता के हिंदू कॉलेज में, कोलकाता के हिंदू कॉलेज में ये प्रोफेसर की पोस्ट पर आ चुके थे। और हम लोग याद रखेंगे कि ये 1826 से लेकर 1826 से लेकर 1831 तक कलकत्ता में प्रोफेसर के पद पर थे, लेकिन इन्हें 1831 में कॉलेज से निकाल दिया गया। निकालने का कारण ये हो गया कि बच्चों में इन्होंने विद्रोह की भावना जगा दी समाज की बुराई के खिलाफ। हालांकि इसका पर्पस कोई देशद्रोह का नहीं था, युवा बंगाल आंदोलन के द्वारा अंग्रेजी शासन का विरोध किया गया। अंग्रेज जो पक्षपातपूर्ण काम करता था इंडिया में कि अंग्रेजों को ही बड़े बड़े पद दिए जाते थे, सैलरी ज्यादा होती थी, इसका युवा बंगाल आंदोलन ने विरोध किया। युवा बंगाल आंदोलन का यह कहना था कि जो योग्य इंडियन है उसे भी बड़े बड़े पदों पर अपॉइंट करो। और इन्होंने इस आंदोलन ने भारत में जो बुराइयां थी स्त्रियों के खिलाफ जो कि परंपराएं चल रही थी उन सभी के खिलाफ भी लोगों को जगाने का काम किया। लेकिन जब 1831 में डरोजियो को हिंदू कॉलेज से निकाल दिया गया तो अधिक समय तक ये जिंदा नहीं रह पाए, क्योंकि उसमें जैसे आज आप देखते हैं कि कोरोना एक पेंडेमिक डिजीज के रूप में है, उसमें कोलरा बीमारी जो थी, हैजा बीमारी, वो एक पेंडेमिक डिजीज थी। कोलरा बीमारी का कोई उसमें इलाज था ही नहीं, तो कोलरा होने के बाद लोग मर ही जाते थे। तो इन्हें भी 1831 में कोलरा बीमारी हो गई और उसी में इनकी डेथ हो गई 6 महीने के अंदर ही। लेकिन डरोजियो ने भारत के युवाओं में देशभक्ति की भावना भर दी। इन्होंने ही सबसे पहली बार देशभक्ति से भरी हुई कविता लिखने की शुरुआत की, और इसीलिए डरोजियो को कहा गया है फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट ऑफ इंडिया। तो डरोजियो इज कॉल्ड फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट ऑफ इंडिया। डरोजियो को भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा गया, प्रथम राष्ट्रवादी
कवि कहा गया, भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। एक क्वेश्चन इसमें और ये भी पूछा जाता है कि युवा बंगाल आंदोलन का नारा क्या था, जो नारा फ्रांस की क्रांति से प्रभावित था, तो आप इसे याद रखेंगे कि द स्लोगन ऑफ द स्लोगन ऑफ द यंग बंगाल मूवमेंट वॉज लिबर्टी लिबर्टी फ्रेटर्निटी फ्रेटर्निटी एंड इक्वलिटी। युवा बंगाल आंदोलन का नारा स्वतंत्रता स्वतंत्रता भाईचारा तथा समानता था, स्वतंत्रता भाईचारा तथा समानता था, और यही नारा जब फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में 1789 में, तो फ्रांस की राज्य क्रांति में लोगों का यही नारा था लुई 16 के खिलाफ, जो फ्रांस के लोगों ने नारा लगाया कि लिबर्टी फ्रेटर्निटी एंड इक्वलिटी, तो उसी नारे को युवा बंगाल आंदोलन ने अडॉप्ट कर लिया। ये अंग्रेजों के खिलाफ ये नारा दिया गया क्योंकि आजादी इंडिया में नहीं थी, उसमें गुलामी का दौर चल रहा था, तो लिबर्टी की डिमांड की गई यानी स्वतंत्रता की मांग की गई, उसमें फूट डालो शासन करो की नीति चल रही थी, तो इसमें ये डिमांड की गई कि आपस में सभी हम लोग भाई हैं, कोई हिंदू कोई मुसलमान या कोई सिख ईसाई नहीं है, सभी एक समान है, तो भाईचारे का नारा भी इसने दिया। और समानता की बात कही, चूंकि अंग्रेज अपने आप को सुपीरियर मानता था और इंडिया के लोगों को इन्फीरियर मानता था, इसलिए समानता की डिमांड इसमें की गई। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं कि कौन सा आंदोलन भारत में फ्रांस की क्रांति से प्रभावित था, तो यहां पर आपका क्या आंसर हो जाएगा, यंग बंगाल मूवमेंट। तो इस प्रकार आपको ये सारी बातें याद रखनी है। ये क्लास जो डिटेल में आपको समझाया गया, इसमें मैं देख रहा हूं कि बच्चों की संख्या, जब क्वेश्चन में पूछता था उसमें तो काफी बच्चे आ जाते थे, लेकिन इसमें जब डिटेल में कुछ बातें होती हैं तो बच्चे कम हो जाते हैं, तो इस स्थिति में आप लोगों की जो नॉलेज है, जो बच्चे नहीं अटेंड कर पा रहे उसकी नॉलेज ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी, वो सिर्फ लॉलीपॉप लेना चाहते हैं, और जब डिटेल में कोई बात समझाया जाता है तो उसमें नाराज रहते हैं, गायब रहते हैं। तो जितने भी हमारे एडमिन है, जो भी ग्रुप के एडमिन है, उन लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि जो बच्चे एक बार प्रेजेंट हो जाते हैं और अगर वो दोबारा नहीं आ पा रहे हैं तो उनसे एक बार कॉन्टेक्ट करें, चूंकि अधिकार मैं आपको दिया हूं, अधिक से अधिक बच्चों को लाना आपका फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है, तो ये एडमिन महोदय का काम है, इसलिए मैंने एडमिन भी बनाया है अधिक से अधिक लोगों को। कुछ एडमिन भी प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं, तो जो प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं लगातार 4-5 दिन तक, मैं उनको एडमिन के पद से हटा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैं जो आप लोगों को शामिल किया हूँ आपकी क्वालिटी को निखारने के लिए, किसी प्रकार का और फायदा पहुंचाने के लिए नहीं, आप में जो क्वालिटी है उसको निखारना हमारा काम है, और मैं चाहता हूँ कि आप कठिन से कठिन परिश्रम करें, कठोर मेहनत करेंगे तभी सफलता आपको मिलेगी, अन्यथा कोई उपाय नहीं है, शॉर्टकट कोई फॉर्मूला सफल होने के लिए है ही नहीं। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट, इसी प्रकार आप लोग क्लास में बने रहेंगे और मिलते हैं हम लोग कल क्लास में। थैंक यू वेरी मच।